भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मोड में आ गई है। मिशन 75 प्लस नारा को धरातल पर ईजाद करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे बैठक कर रहे हैं और मोर्चे के पदाधिकारियों को लगातार बड़े नेताओं के तरफ से निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आज ओबीसी मोर्चे की बैठक थी, आइए सुनते हैं कि ओबीसी मोर्चा के नेता क्या कहते हैं। आज हमारे प्रदेश पदाधिकारी की बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अगले महा चलने वाले अभियान महासंपर्क अभियान के तहत उस पर विस्तार से चर्चा हुई। अभी 29 और 30 में हमारी क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठकें होनी है, 1 और 2 में जिला कार्य समिति बैठकें होनी है। तो पार्टी के द्वारा जो अभियान दिए गए हैं, प्रमुख रूप से जहाँ लाभार्थी संपर्क ओबीसी समाज में हम लोग जाने वाले हैं, इसके अलावा हमारे जो कार्यक्रम आए हैं उनमें प्रमुख रूप से हमारे प्रबुद्ध ओबीसी समाज का सम्मेलन होना है, जो 17 नगर निगम हैं उनमें वो सम्मेलन हम करेंगे और विधानसभा स्तर पर भी हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं। 2024 के निमित्त ही हमको लगता है, इस तैयारी के निमित्त ही तमाम अभियान चल रही हैं, जिसमें ओबीसी मोर्चा के लिए एक कार्यक्रम दिए गए हैं कि एक पूरा वहाँ के अंदर जहाँ पार्टी के अभियान है उनमें तो शिरकत करना ही करना है। ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के द्वारा अगले माह होने वाले कार्यक्रम हैं उनमें शिरकत करने के साथ साथ, उनमें शामिल होने के साथ साथ, जो विशेष रूप से जो हमारे जिला सम्मेलन और जो महानगर में सम्मेलन होने की वो आई है, वो कार्यक्रम सब करने हैं लाभार्थी संपर्क के अलावा। माना जाता है कि 2014 हो या 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, भारतीय जनता पार्टी के जीत में पिछड़ों का बड़ा रोल रहा है। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक सहभागिता पिछड़े वर्गों की ज़्यादा है। आज उसी बैठक को लेके माना जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा ये अपनों के बीच मैसेज भेजने की कोशिश तब होगी जब विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि दलितों और पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी के सरकार में या संगठन में सम्मान नहीं होता। सहयोगी सर्वजीत के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।